तो मैं रुखसाना सैफ़ी अपनी सैफ़ी किचन में बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्नैक्स रेसिपी लाई हूँ। एक्चुअली ये कबाब लॉलीपॉप की तरह होता है, जिसमें चिकन मिंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें कुछ मसाले मिलाकर स्टिक के ऊपर लपेटा जाता है, कुछ सीख कबाब की तरह, जो स्पेशली शेप की वजह से बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए हम इफ्तार के लिए चिकन कबाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है 200 ग्राम। इसको हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, या आप चॉपर में कर लें। ज़्यादा महीन पेस्ट हमें इसका नहीं बनाना है। तो चिकन मिंस बनकर यहाँ रेडी हो चुका है, उसे साइड में रखते हैं। और यहाँ मैंने एक अपना मिनी चॉपर ले लिया है, इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को कट करके डाल दूंगी। और मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसको भी कट करके डाल दिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसको कट करके डाल दिया है। और 6-7 जबे ले लिए हैं लहसुन के, वो डाल दिए हैं पील करके। और 5 मैंने ले ली हैं ये लाल वाली मिर्चें। आप हरी भी ले सकते हैं, लेकिन लाल मिर्चों से एकदम रंगत बढ़िया ही आती है जब ये दिखाई देती हैं कबाब के अंदर, तो इसलिए मैंने लाल ले ली हैं, आप हरी भी ले सकते हैं। इनको मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, जो चिकन मिंस है ना, उसमें हम इन सबको कर देते हैं मिक्स। और साथ के साथ हम कुछ ड्राई स्पाइसेस भी इसमें शामिल करेंगे, जो कुछ यूं हैं: 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये सब गया इसके अंदर और फ्लेवर आएंगे एकदम बाहर निकल के। सबको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो चलिए, हमारा यहाँ स्टिक कबाब के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो यहाँ हम तेल लगा लेते हैं हाथों पर। तो पहले हम इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे पोर्शन में। तो यहाँ 5 बॉल्स बनकर हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब यहाँ ये आइसक्रीम वाली स्टिक होती है ना, ये हम ले लेंगे और फिर से हम ऑयल लगाएंगे हाथों पर। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको शेप देंगे पहले हथेली में लेके, और फिर जो आइसक्रीम स्टिक है ना, इसको हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। और इस तरह से हम ये लॉलीपॉप की या आइसक्रीम की इस तरह से होती है ना, हम इस तरह से इसको शेप देंगे। और इस तरह से फिंगर की हम थोड़ी सी डिज़ाइन इस पर बना देंगे। दूसरा देखिए, बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से हम लेंगे, हल्का सा इसको इस तरह की शेप देंगे और स्टिक को हम अंदर इंसर्ट कर देंगे। और फिर देखिए, फिंगर की जो है ना डिज़ाइन, हम इस तरह से ऐसे कर देंगे, जिससे कि ये फ्राई करते वक्त या ग्रिल करते वक्त अच्छे से मार्क्स आते हैं, जो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे चिकन स्टिक कबाब। अब आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज कर सकते हैं, और जब चाहे जब निकाल कर फ्राई करें। तो चलिए, यहाँ ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो हमारे चिकन कबाब बनकर यहाँ रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, इसकी कर लेते हैं हम प्लेटिंग। किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ हमारा चिकन कबाब प्लेटर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं, सभी को ये बेहद पसंद आते हैं, एकदम ज़बरदस्त। ट्राई करना तो ज़रूर बनता है गाइज, एक बार आप ज़रूर बना कर देखें, आपको बेहद पसंद आने वाली है। फिर मिलेंगे एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।